बूंदी जिले में लगातार 2 दिनों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का जायजा लेने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने तालेड़ा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से फसल बर्बादी का जायजा लिया। मुख्य रूप से तालेड़ा के बरुधन, अलकोदिया सहित कई अन्य गांवों में खेतों में पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने खेतों में पड़ी फसल को देखा। उन्होंने गेहूं की फसल को पूर्ण रूप से खराब बताते हुए सरकार से किसानों को मुआवजा देकर राहत प्रदान करने की भी बात कही। साथ ही कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को फसल खराबे की सर्वे की रिपोर्ट भिजवाने के भी निर्देश दिए। अत्यधिक ओलावृष्टि और तेज बरसात के कारण चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे सब्जियां हो, वह पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। और मैंने जिस गांव के खेतों को देखा है, यहाँ पर भी आप देखो कि किस तरीके से पूरे गेहूं ओलावृष्टि के कारण जमीन पर मिल चुके हैं। इसी तरीके से चने के अंदर भी बहुत खराबी हुई है। टमाटर हो और जो छोटी मोटी सब्जियां यहाँ पर करते थे, उन सब्जियों की भी बहुत खराबी हुई है। मैंने राज्य सरकार से चर्चा की है, तुरंत इनकी गिरदावरी की जाए, उनको उचित मुआवजा मिले, जल्दी मुआवजा मिले।